गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, जिस आप सभी को बताया कि हम लोग गेम में एक न्यू इवेंट आया है, तो इसके बारे में बात करने वाले, साथ साथ कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले। यहाँ पर हम लोग का जो 15 अगस्त के लिए टोकन मिल रहा था, जो जिसमें शॉट गन और UMP को एक्सचेंज करने के लिए मिल रहा था, तो कुछ लोग पूछ रहा था भाई वो वाला टोकन किस तरीके से मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात करना मैंने करते, वीडियो स्टार्ट करते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लाइक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम्स से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले इस वीडियो में तीन टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ से इस टोकन के बारे में। तो भाई लोग, यहाँ पर से आप लोगों को सभी को पता होगा कि यहाँ पर से हम लोग टोकन का जो बात था, यानी कि टोकन कलेक्ट करने की बात थी, तो वो हम लोग 19 तारीख तक था। और आपको बताया कि गरेने का 19 तारीख जो है सुबह को 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो वो 19 तारीख को फुल डेट नहीं देता, यानी कि 19 तारीख को जब 19 तारीख स्टार्ट हुआ वो तभी से ख़त्म कर देता है। इसका रात को 12 बजे से हम लोग अपने इंडिया में रात को 12 बजे यहाँ से 19 तारीख स्टार्ट हुआ। तो अगर आप बोलोगे कि 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, जी नहीं, आपको 4 घंटा टाइम भी देगा, यानी कि रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटा टाइम देगा, उसको 4 बजे से ये हटा देता है, यानी कि 19 तारीख इसका 4 बजे मान लीजिए ख़त्म हो गया और वो वहाँ से इस चीज़ को हटा देता है। तो जिन लोगों को लगा होगा कि ये 19 तारीख तक रहेगा तो 19 तारीख को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, ये 19 तारीख को नहीं, ये रात को ही ख़त्म हो चुका है। इसके लिए आपको ये वाला टोकन जब आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने भी एक थोड़ा सा गलती कर दिया कि मैंने शॉटगन की जगह यहाँ पर से UMP का एक्सचेंज कर लिया था, तो मेरा भी शॉटगन जो ये नहीं है। और एक बात आपको बता दी, मतलब राज की बात, कि ये UMP जो है ना, ये लेजेंडरी गन नहीं है, बट ये शॉटगन जो है ना, ये लेजेंडरी गन की स्किन था। तो मैंने इस बात को पहले नोटिस नहीं किया, तो बाद में पता लगे भाई ये शॉटगन तो लेजेंडरी गन की स्किन थी। खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो लोग पूछ रहे थे कमेंट में, मैंने बता दिया कि अब आप जो है ये वाला टोकन कलेक्ट नहीं कर सकते, इसका टोकन कलेक्ट करने का कोई भी चांसेस नहीं दिया गया बैचेस ऑफ वार। इस टोकन को आप किसी भी हाल में कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा 1 टोकन के लिए नहीं हुआ, किसी ने बोला था मेरा 2 टोकन के लिए नहीं हुआ, किसी ने बोला कि मेरा 3 टोकन के लिए नहीं हुआ। आपका अगर आधा टोकन के लिए भी हो जाता ना, तो अभी आप इस चीज़ को नहीं ले पाओ, क्योंकि ये इसका जो इवेंट होता है वो इवेंट होता है। बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ से आप देख पाइए कि यहाँ से हम लोग का डेविल हंटर का जो सेकंड पार्ट है वो आ चुका है। पहले से हम लोग फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग 60 डायमंड देके यहाँ से रजिस्टर करना पड़ा था। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी अब जो है 480 डायमंड वो यहाँ से परचेज कर सकते। मेरे पास तो अभी डायमंड नहीं है, यू हैव इनसफिशिएंट डायमंड। तो यहाँ से जिन लोगों ने ऑर्डर किया था प्री ऑर्डर, उनको भी इतना में मिलेगा, जिसने प्री ऑर्डर नहीं किया था उसको भी इस चीज़ को उतना में ही मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को 400 कितना डायमंड भाई, यहाँ से अपडेट देख सकते हैं, प्री ऑर्डर का परचेज का टाइम जो दिया गया है वो 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ से आपको इतना डायमंड में ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से प्री ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि मेरे पास डायमंड था नहीं और मुझे इवेंट उतना कुछ खास जचा नहीं, इसी वजह से मैंने इसे प्री ऑर्डर नहीं किया था। बट मेरे को ये चीज़ें फिर भी यहाँ से 480 डायमंड मिल रहा है, जितना कि प्री ऑर्डर वाले को मिल रहा है, तो जिसको लेना है वो ले सकता है। 25 तारीख तक इसका डेट है और वो इस चीज़ को यहाँ से ले सकता है। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इवेंट की, जो हम लोग यहाँ से न्यू इवेंट आया है वो आपको दिखा देता हूँ किधर किस सेक्शन में आया है। यहाँ पर बहुत सेक्शन यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, पता भी नहीं चलता कौन सा चीज़ कहाँ पर आया है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिवर्सरी फ्री करेक्टर्स, तो एनिवर्सरी फ्री करेक्टर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये क्या है भाई, एंटोनिया, उसके बाद कैरोलिन, उसके बाद मुगल, जो भी म्यूजल मुगल जो भी है भाई, उसके बाद यहाँ पर मिसा, उसके बाद यहाँ पर सबको मिलेगा पाइप टोकन एंड सेकेंड एनिवर्सरी का जो गचा वचर होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं, आपको पता ही होगा हम लोग जो वेपन रॉयल अभी आया हुआ है, वेपन रॉयल नहीं भी डायमंड रॉयल में जो न्यू 2 बंडल आया हुआ है, तो वहाँ पर से हम लोग ये वाला टोकन वहाँ पर सिंबल शो कर रहा है, बट हम लोग पास ये वाला टोकन कहीं पर भी नहीं है। और इस चीज़ को आप मतलब कहीं से भी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, डायमंड से ले सकते हैं, फिर मतलब कोई इवेंट से ले सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ पर ये वाला टोकन दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये सब जो करेक्टर है ये सब तो हम लोग का मतलब गोल्ड रॉयल में देखने के लिए मिल ही जाती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप अगर लेना चाहते हो इन सब चीज़ में से कुछ चीज़ को, तो यहाँ से टोटल आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 चूज ऑन ऑफ 5 रिवार्ड्स। तो यहाँ से आपको 5 रिवार्ड में से किसी एक रिवार्ड को चूज करना होगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें से अगर चूज करें तो यहाँ से आप टोकन ही चूज करें। टोकन चूज करने के बाद आपको क्या होता है कि आप 5 टोकन यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्री में, और यहाँ पर जो आपका जो कैरेक्टर ये तो आपको मतलब गोल्ड रॉयल से मिल ही जाती है, तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ से गोल्ड रॉयल से आप ले सकते हो। बट ये वाली चीज़ जो है आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को आप
यहाँ से टोकन लेना ही पसंद कीजिएगा, और टोकन मेरे ख्याल से टोकन लेना ही आपके लिए सही रहेगा। तो बात कर लिए हम लोग किस तरीके से मिलेगा, और ये यहाँ पर जो हम लोग कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, नोट स्टार्टेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक चीज़, आप यहाँ से अगर रीड करते हो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इवेंट जो स्टार्ट होगा वो 4 तारीख 24 तारीख को स्टार्ट होगा, यानी कि 24th को स्टार्ट होगा, और यहाँ से ख़त्म जो होगा ये 25 तारीख को ख़त्म होगा। तो यहाँ से आपको 24 तारीख को इसमें से प्री रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कुछ इसका, फीचर आ जाएगा यहाँ पर से सिलेक्ट करने का। तो 24 तारीख को यहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा, और 25 तारीख को यहाँ से आपको क्लेम करना होगा। 24 तारीख को रजिस्टर, 25 तारीख को क्लेम, यानी कि इस बीच में आपको एक दिन का गैप देगा। तो यहाँ से जिस चीज़ को करना है तो आप ध्यान पर रखिएगा, 24 तारीख को यहाँ से आपको रजिस्टर कर लेना है, और 25 तारीख को इस चीज़ को यहाँ से क्लेम कर लेना है। तो कुछ लोग मन में सोचेगा भाई ये चीज़ हम लोग को मिल नहीं रहा है, यहाँ से हम लोग क्लेम हो नहीं रहा है। तो यहाँ से आपका इवेंट जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको 24 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। 24 तारीख को 25 तारीख को आप इस चीज़ को क्लेम कर पाएंगे, तभी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। और गाइज कल मैंने बताया था आप लोगों की कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज है, तो वो किसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो हो सकता है शाम तक मैं किसी भी टाइम उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो फाइनली आज की वीडियो में आपको इतना सही बताना था, मेरे आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।